इंच ये ना हाँ ये इतना खा लेते हो तो ये निकल जाएगा ना, स्टिच कर सकते क्या करें, स्टिच कर देते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और बज रहे हैं 11:20। ये रहा अविनाश जो कि अभी अभी एक्सरसाइज करके आया है, वो रही मम्मी जो आज नहा चुकी हैं। गुड मॉर्निंग। और ये रहे पापा गुड मॉर्निंग जो सुबह सुबह ही नहा चुके हैं, वो रही चेरी जो कि खा के उल्टी पड़ी हुई है, ये रही कैंडी, कोको कहीं घूम रहा है, ये रहा कोको, इसको रात को ठंड लगती है तो इसको टी शर्ट पहना दी गई है। मुझे लग रहा है चेरी को ना बहुत वीकनेस हो गई उसके मुंह पे है की वजह से। नहीं नहीं नहीं, चेलू वीकनेस हुआ बाबू को, वीकनेस हुआ है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं है, पैर खोल के बता रही है, चितरा के बता रही है कि मैं ठीक हूँ। तो जी अभी टाइम हो चुका है और सास ससुर इंतजार कर रहे हैं बहू का कि बहू कब आएगी और हमें कभी नाश्ता मिलेगा। अब वो टाइम आ गया है जब मैं दृढ़ता से किचन के अंदर घुसूंगी और तभी बाहर निकलूंगी जब नाश्ता मैं तैयार कर चुकी हूँगी। मिलती हूँ आपको। सपनत के राजकुमार टी शर्ट ही पहन के घूमेंगे क्या? चलते राजकुमार, पापा कह रहे हैं सपनत के राजकुमार टी शर्ट पहन के। सपनत नहीं, सल्तनत का वारिस है ये। अच्छा वो कह रही है सतनत, सतनत बोल रही है, सल्तनत का राजकुमार है ये, टी शर्ट आगे जाके वारिस बनेगा। वो तब से ही टी शर्ट ही पहन के सिंस होते हैं। तो पापा फाइनली ऑमलेट बना दो कि भुर्जी बनाऊं? ऑमलेट, एक्चुअली भुर्जी सबको हो जाएगी, ऑमलेट चार बनाने पड़ेंगे। नहीं नहीं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आज काटूं? नहीं नहीं अब बैठूंगी, अब एनर्जी फुल है इस टाइम, एनर्जी फुल है, देखो कितनी देर रहती है। चलो मैं बनाने जा रही हूँ। 4 इंच की 3 इंच की ये ना हाँ ये इतना खा लेते हो तो ये निकल जाएगा ना, स्टिच कर सकते क्या करें, स्टिच कर देते हैं, सुआ लगा देते हैं, सुआ धागा लगा के ना स्टिच कर देते हैं। इसका वेट लूज हो रहा है इसलिए खाल लटक रही है क्या? हाँ वेट जा रहा है ना, ये कम हो रहा है, खाल बड़ी है, खाल लटक गई, जैसे मेरी हो जाती है खाल लटक जाती है। मैं भी बैठी हूँ उसी में, मम्मी भी वहीं पे है। आपको तो वेट ही कम नहीं होता ना, तो खाल कैसे लटकेगी? करती नहीं हूँ ना, कम करूंगी तो लटक जाएगी। कल से पापा के साथ जाओगी जॉगिंग के लिए सुबह? अरे सीधा मुंह पे मना, जल्दबाजी में मैंने क्या किया, दो प्याज फटाफट छीले, मैंने कहा कूड़ा जैसा है उतना मैं फटाक से डस्टबिन में फेंक दूंगी, प्याज ही फेंक दिया डस्टबिन में, जो काटी थी नहीं छीली थी, छीली थी अभी काटी नहीं थी, तो फटाफट मैंने कहा अरे काटा तो मैंने ज्यादा था, निकाल दी, धो दिया कूड़े से निकाल के धो के फिर बना रही है? नहीं मम्मी अभी सिर्फ छिलका ही उतरा था, आप फेंक देती क्या? एक लेयर और निकाल दो उसका, ये है कि अभी कूड़े में नहीं नहीं नई पन्नी पड़ी है, अभी कुछ ज्यादा जूठा लग रहा नहीं पड़ा, मैं मंदिर का राख वक्त फेंकी। नहीं नहीं कुछ नहीं है। अच्छा मैंने कहा कि छिलके के साथ साथ मैंने प्याज भी फेंक दिया। नहीं एक लेयर और निकाल दो, निकाल लिया जो आउटर लेयर है उसके बाद एक लेयर और निकाल दो। बनाने की क्या जरूरत है, ये देखो ये रहे दो प्याज, बस फर्स्ट क्लास है एकदम चकाचक प्याज। चलो आज ब्रेकफास्ट में मिलेगा कूड़ा। अरे आपको मना किया उसने फिर भी आप लगी काटने, आ गई, मानती क्यों नहीं हो भाई है? प्याज लग रही है, लग रही है मम्मी को, बहुत प्याज लगती है, मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं। तो जिसको प्याज लगती है उसकी सास बहुत प्यार करती है? इसको तो बिल्कुल प्याज नहीं लगती। मैं प्यार नहीं करती हूँ ना। आप नहीं करती हो कहावत के हिसाब से तो यही हुआ ना मम्मी। हाँ। ये कहावत सत्य तो नहीं है? नहीं अगर ये सत्य है तो बोल दो फिर मैं काम करना बंद करूँ। अच्छा प्यार करूंगी तभी काम होगा। हाँ तो प्यार से बहू, इस बहू से तो प्यार से ही काम होता है। तो देखो गुस्से में फेंट रही है देखो, अरे प्याली ना टूट जाए, बहुत गुस्सा आया इस बात पे मुझे कि सारा गुस्सा उतारती है फिर आटे पे, गूंदने में, काटने में, छीलने में, बर्तनों पे, हमारे गुस्सा तुरे तुरे उतार देंगी। नहीं मैं ना मम्मी मैं फटाफट कर दूंगी, हटो जे निकला मेरी सासू माँ का अंडा ऐसा बनाई हूँ। मेरा ऑमलेट बना, तुम्हारी सारी तैयारी करके रखी है मैंने यहाँ पे, मैंने कहा तुम नहा के आओगे तो बनाती हूँ, तो मैंने कहा चाय रख देती हूँ यहाँ पे, बना दो अंडा? हाँ बना दो, एक ब्रेड भी खाऊंगा। अच्छा ब्रेड भी खाओगे? तुम्हारी और चेरी की शक्ल ना रोज मिलती जा रही है और ज्यादा। क्यों? शायद चेरी पतली हो रही है ना और तुम भी पतली हो रही हो, तो तुम्हारे चेहरे मिलते जा रहे हैं, लटकते जा रहे हैं दोनों के चेहरे। नहीं आंखें वाखें ना एकदम एक जैसी हो गई हैं। रो रही है? हाँ। क्यों? मतलब उसको अभी खेलना है और मैंने गोदी में बिठाया और ये कुछ कह नहीं पा रही है, मुझ भी नहीं हिल रही है। चेरू कहाँ हुआ? हिली 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 भाई, जब से बाल कटे तब से बहुत प्यार मिल रहा है डाइट पे, खाना भले ना मिले प्यार बहुत मिल रहा है डाइट पे, प्यार मिल रहा है। आया मामी जी,
केंडू आ जाओ मेरे पास। अच्छा केंडू को बुला रही हूँ मैं। ओ बैठ के देख रही है कैसे उसको कितना देर से गोदी मिली है। कैंडी ओलंपिक्स में हार गई ना। इधर आओ ये पकड़ो जरा। ये आदमी मेरे को किचन में बोला जल्दी जल्दी कि क्या करती है पैर में इतना लगा हुआ है सुनती भी नहीं है किसी का। ब्रेकफास्ट में बना रही थी तो मैं जल्दबाजी में आके यहाँ बैठ गई। इसने मेरे को घसीट के बिठाया और बहुत अपनापन और प्यार दिखावा करने के लिए इसने ऐसा कुछ किया जो इसको नहीं करना चाहिए था। ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ है। बेबी मेरे को इस पैर में मोच आई है। तुमने मुझे 15 घंटे से ये पहनाया हुआ है यहाँ पे और मैं जाके सोच रही मीटिंग में कि यार मुझे यहाँ दर्द हो रहा है इस पैर में और ये पैर मेरा पकड़ में आ गया। क्या करूं क्या हुआ है ये। बाद में याद आया कि तुमने मुझे गलत पैर में पहनाया हुआ है तो तुम्हें भी तो बताना चाहिए था ना। तुम्हें भी तो बताना चाहिए था कि इसमें क्यों पहना रहे हो चोट इसमें। अरे मैं उस समय अंडा बना रही थी तो मुझे पता ही नहीं तुमने गलत पैर में पहनाया हुआ है मेरे को। अंडा इम्पोर्टेंट है पैर इम्पोर्टेंट। अरे मैं घरवाली तो काम कर रही थी लेकिन कल तो रैली इसमें यहाँ लगाई थी ना तुमने पहना इसमें दिया। चेंज कर देता हूँ चाय बना। बेशर्म आदमी। मैं ये कह रही हूँ कि जिसके दर्द है उसको पता ही नहीं कि उसको उल्टा पहनाया जा रहा है। नहीं तो मेरे को बाद में बाहर गई ना मीटिंग के लिए अभी तो मेरे को रियलाइज हुआ कि दर्द मुझे इस पैर में है और पहना मैंने इस पैर में है। पहनने वाले तो मम्मी यहाँ पे बना रही है रोटी और मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। शुरू कर रहे हैं और पालक पनीर बनेगा ऑब्वियसली सरसों के तेल में जैसे कि मम्मी की इच्छा है। अरे ये क्या मिर्च है हरी हरी। पालक है। पालक तो क्या बोल रहे हैं पालक पनीर। पनीर ये रहा। ये तो आपने अपनी पसंद का भोजन बना दिया आज। नहीं मम्मी ने कहा है। अच्छा मम्मी रोटी बना के चलेंगे मैं आपको पालक पनीर बना रही हूँ। बन गया। अरे तो सजा रही हो तुम इसको। नहीं जो साइड से पालक लगा हुआ उसको हटा रही हूँ। अच्छा देखो कैसा बना है। दिख तो बहुत अच्छा रहा है। पता नहीं मम्मी को कैसा लगेगा। तो जी पालक पनीर खा लिया गया है। मजेदार था बहुत ज्यादा। मम्मी पापा संभावना सब बैठ के बाहुबली देख रहे हैं और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो अब हम आप लोगों को मिलते हैं कल सुबह। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। मैं वहां गया हूं सब लोगों ने मुझे भगा दिया है क्योंकि बाहुबली देख रहे हैं बहुत ज्यादा एकदम घुस गए हैं फिल्म में। बाहुबली 2 मम्मी पापा ने नहीं देखी थी। हमने देखी थी लेकिन फिर भी दोबारा देखने में बहुत मजा आया।